बहुत खुशी है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ स्मिथ वुड्स दैट वी हैव ए एक्साइटिंग टाइम विद द मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ आवर कंट्री हू मेड हिस्ट्री टू अमर कौशिक जी, नीरज जी, वार शक्ति और लेटेस्ट स्टार जो है अभिषेक बनर्जी एंड दे हैव शेयर देयर एक्सपीरियंसिस सो वंडरफुली. It was really enlightening and very, very educative rather, I would say. And जो अब आप सवाल करना चाहें आप ज़रूर पूछिए, हम आपके सामने हैं. लेकिन वो सवाल पूछिए जिसमें हमारी तारीफ है. बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर एंड अभिषेक जी, कैसा रहा एसोसिएट, कैसा रहा एक्सपीरियंस सेलिब्रेट सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तो थोड़ा सा आपका? बहुत अच्छा रहा है. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. और अगर ये सेलिब्रेटिंग सिनेमा का जो पूरा प्लान है वो अगर सुभाष जी सर के छत्रछाया में हो रहा है तो वो और भी ज़्यादा कमाल है, बिकॉज ही हैज़ रियली सेलिब्रेटेड सिनेमा एंड हमने उनकी वजह से सिनेमा देखना शुरू किया, उनकी वजह से सपने देखने शुरू किए. सो थैंक यू सो मच सुभाष सर. सर की फेवरेट फिल्म जो आपके? दो होंगी, राम लखन एंड ताल. नहीं, मैं तो आज सुबह, मतलब जैसे कहते हैं, बड़ा अच्छा दिन जा रहा है मेरा. मैं सर के साथ बैठा हूँ और मैंने ये बोला भी अभी कि क्या कहते हैं कि जो एक्टर बनने के बाद पर्क्स की बात होती है कि यार कौन से पर्क्स हैं, मतलब पैसा, फेम. आई थिंक अपने चाइल्डहुड हीरोज़ को मिलना और उनसे बातें करना, उनसे तारीफ़ें लेना, आई थिंक उससे बड़ा पर्क है नहीं दोस्त. और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम सिनेमा इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होकर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड होपफुली हमारी बातों से या हमारी हरकतों से उनको कुछ कहीं कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है. तो आई थिंक दैट्स अ बिग इनफ कॉन्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट लाइफ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ होती है एज एनी एक्टर क्रिएटर, बिकॉज वो दैट्स द मेन टाइम जब आपका दिमाग खुलता है. उसके बाद तो लोग काम में लग जाते हैं और बाकी चीज़ों में लग जाते हैं, बट ये वो टाइम होता है, वो समय होता है जब आप एक्चुअली अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड या जस्ट वेरी 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 हैप्पी टू बी हियर. भाई साहब, जब इस तरह से लाइव तारीफ होती है आपकी, जो आपको देखकर बड़ा हुआ है, आपके सिनेमा को देखकर बड़ा हुआ है, आज आपके साथ जब इस तरह की तारीफ होती तो मुझे लगता है मेरी पहली बार हो रही है. हर तारीफ मुझे लगता है पहली बार. उसकी जो पहली बार की तारीफ की जो खुशी होती है, मुझे किसी की, मैं किसी की तारीफ करूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे लगता है पहली बार कर रहा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट. तारीफ करने वाले मेरे को बहुत अकलमंद लोग मिलते हैं. क्या सेलिब्रेट सिनेमा? हाँ, मुझे लगा कुछ नया अनुभव क्या है. बस क्या तो यही है कि बड़ा, मतलब मेरे लिए सब, हम सब लोग सर की सिनेमा, अगेन तारीफ करूँगा, आपसे पहली बार ही कर रहा हूँ तो बहुत बहुत हम लोग खुश हैं और मतलब ऐसा अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि सर हमारी तारीफ कर रहे हैं, जो जिनकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान ने करी है, जिनको पूरा हिंदुस्तान ने, एक डायरेक्टर का नाम जब आप फिल्म देखते थे सुभाष गई की फिल्म देखने जा रहे हैं, यू नो वो जो था, और सडनली उनके यहाँ से आपको निमंत्रण आता है और आप वहाँ पे जाके आप उनसे थोड़ा बहुत भी गुफ्तगू करने को मिले कि उनसे आप कितना सीख सको. बट सर अभी कोशिश कर रहे हैं हमसे सीख, हमसे कुछ कुछ लेने के लिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. बट मेरा यहाँ आने का पूरा ये था कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूँ. उस अभी तक उतना इंटरेक्ट नहीं किया स्टूडेंट से, बट उनकी एनर्जी अपने अंदर लूँ, ताकि वो वही ऊर्जा हमको आगे और बनाने, आगे फिल्म बनाने में और प्रोत्साहन मिले. क्योंकि एक फिल्म बनाना और या एक फिल्म की सक्सेस होना, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहीं से स्टार्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो एज हम्बली मैं उन कोशिश करता रहूँगा, जिस तरीके की फिल्में बनाई हैं उस तरीके से फिल्म बनाऊँ, उसी तरीके से मैं बार बार सर बुलाए मुझे हर फिल्म के लिए. मैं ये एक फिल्म ऐसा ना हो कि अरे अब अच्छी नहीं बना रहा है, अब हो गया उसका उसका पीक ख़त्म हो गया, वो नहीं चाहता हूँ. मैं कोशिश करता रहूँगा अच्छी फिल्में बनाऊँ, ताकि मैं यहाँ वापस आऊँ, लोगों से इंटरेक्ट करूँ, सर से जीवन भर तारीफ सुनूँ, यही है मेरा. मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहूँगा. जो फिल्म है स्त्री टू,
जो अमर कौशिक ने दिनेश विजन में बनाई है, इस फिल्म ने मुझे एक नई एनर्जी दी है, मुझे ये समझने की कि इस तरह का सिनेमा जिसे हम मास सिनेमा कहते हैं, द टच ऑफ क्लास, वो बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिला। मुझे इस बात की खुशी हुई कि पूरा देश, हर क्लास के लोग, हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग सिनेमा हॉल में आए और वो बार बार आए, अभी भी चल रही है, आगे भी चलने वाले, क्योंकि ये फिल्म वैसी है, फिल्म बनाई है इन्होंने, और दे आर ऑल एजुकेटिव ग्रेजुएट यंगस्टर्स, इसी और उन्होंने ये फिल्म बनाई है कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें एंटरटेनमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग इन माई माइंड, और मैं ऐसा कुछ यूनिक इसमें क्रिएट करूँ। तो जो मास सिनेमा आया है उसकी वजह से हम सबको एक प्रोत्साहन मिला है कि हम ऐसा नहीं समझे कि दुनिया बदल गई है या बच्चे लोग अंग्रेजी बोलने लग गए हैं तो ये अमेरिकन सिनेमा आ गया है, ये बहुत चेंज हो गया है, जिसका कि मुझे यंगस्टर तकरीबन डराते रहते हैं, सर थिंग्स हैव चेंज, अगर कुछ नहीं चेंज जाके इससे देखो सी चेंज, ऑडियंस नहीं, हम लोग चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, थोड़ी नैरेटिव चेंज हुआ, बस ये वो तो पहले भी था और अभी भी है। सो दैट हैज दे ही हैज ब्रॉट ए वेरी बिग चेंज इन अवर फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। ये इसी के बाद आप देखना 25 फिल्में और बनेंगे जो मास अपील की फिल्में होंगी, क्योंकि विदाउट स्टार कास्ट, विदाउट टू मच ऑर्नामेंट्स, विदाउट पॉम्प एंड शो, ये फिल्म अपने आप में अपने मेरिट्स पे खड़ी हुई है। इट्स अ डायरेक्टर्स फिल्म, इट्स अ प्रोड्यूसर फिल्म, इट्स एन एक्टर फिल्म, इट्स अ राइटर फिल्म, यू कैन सी दैट। And my heartiest congratulations to all of you, sir. Thank you, sir. Wonderful. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. And अब सर ने जिस तरह से आप लोगों की स्क्रिप्ट की, आप लोगों की तारीफ की है, क्या कहेंगे आप अभिषेक जी? हमने पहले ही बोल दिया था कि हम इसी के लिए और मेहनत करेंगे कि सर की तारीफ ज़िंदगी भर सुनते रहें और ज़िंदगी भर ऑडियंस, देखिए हम क्या है एज अ फिल्म मेकर, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी नहीं मानता हूँ, सच बोलो तो आप, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मैं हम यहाँ पे एक सर्विस करने आए हैं, ऑडियंस को एक 2 घंटा ही मिलता है अब हमको, 3 घंटे वाली दुनिया चली गई है, वो बदल गया सर, अगर आप पूछोगे तो 3 घंटे से 2 घंटे पर आ गए, 2 घंटे में आप उनको ऐसा मज़ा दो, ऐसा चीज़, ऐसी चीज़ दो, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है पिक्चर देखने का, वो पिक्चर देखने का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी मिस करते थे ऑडियंस, एज अ ऑडियंस थोड़े सालों पहले तक कि यार बचपन में हमको मज़ा आता था, तो वो स्टार्ट करने में थोड़ा कुछ हुआ है या मैं भी उसी का एक छोटा सा पार्ट हूँ, अब बनाने का मौका मिल रहा है तो कोशिश यही करेंगे हम आगे भी कि इस तरीके से कुछ ना कुछ करते जाएँ। अच्छा हाँ पूछे, और मेरा तो मेरा बस यही कहना है कि आप सोचिए कितनी हिम्मत और कितनी मेहनत चाहिए कि फाइनली एक ऐसी फिल्म आती है जिसके बाद सुभाष घई साहब तारीफ करें या जिसे कहते हैं इस तरह के अनुष्ठान में हम लोग प्रेजेंट रहें, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, बस वो एक फिल्म की नहीं है, आई थिंक कई सालों से लगे हुए हैं, अमर भाई शॉर्ट फिल्म से शुरुआत की है, नीरन भाई कई सालों से लगे हुए हैं, मैं अपार, तो बहुत सालों की मेहनत कहीं ना कहीं लगती है तब जाकर इस तरह की एक प्रेजेंटेशन या फिल्म बनती है, और जब ऑडियंस एक्सेप्टेंस मिलता है तो सबसे बड़ी बात जो है वो होती है प्रोत्साहन, एक मनोबल बढ़ता है, आपको ये लगता है कि चलो यार यहाँ से अब आगे जो है हम लोग काम करते रहेंगे या और डबल मेहनत हमें करनी है यहाँ से, और वो प्रोत्साहन अगर इंडस्ट्री सीनियर से मिले और भी बिल्कुल बेहतर लगता है। एंड ऑल्सो एज अभिषेक मेंशन, यू नॉट इन आवर 20s एनीमोर, यू नो सबने बहुत अपने तरीके की, आई एम, आई डोंट नो व्हाट यू एंड किसकी बात कर रहे हो शुक्रिया करना चाहूंगा दैट यू नो द रियल हीरोज ऑफ द फिल्म, द राइटर एंड द डायरेक्टर, उनको यहाँ पर आकर वो यू नो फिल्म के बारे में बात करना, वो इज्जत देना, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स ऑल्सो चाहे एक पैराडाइम शिफ्ट हो कि एक हम्बल फिल्म 500 करोड़ प्लस कर सकती है, वो एक पैराडाइम शिफ्ट है। दूसरा पैराडाइम शिफ्ट जो मेन वाला है वो ये है कि आप किसी इतने बड़े इवेंट पे जाते हैं जहाँ पर लोग भारी तादाद में आए हैं, वहाँ पर जो इज्जत एक राइटर डायरेक्टर को मिलनी चाहिए जिनका वो बेबी है, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो माय क्वेश्चन वुड बी फॉर नीरेन सर, आपने इंडिया का मोस्ट
पॉपुलर सीरियल भी लिखा है तारक मेहता एंड नाउ यू रिटन स्त्री. सो डू यू वांट टॉक अबाउट योर जर्नी एज अ राइटर इन दिस इंडस्ट्री. नहीं मैं एक्चुअली सीरियल से सीरियल एक पड़ाव था. मैं आया हूँ थिएटर से, रंगमंच से आया हूँ, फिर रीजनल सिनेमा, उसके बाद में मैं टेलीविज़न में गया, फिर टेलीविज़न के बाद फिर मैं फिल्मों में आया हूँ. तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है. और मैं पहले भी सेलिब्रेट सिनेमा में आ चुका हूँ, बाला के बाद में आया था. और मुझे हमेशा इधर आके बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं भी ऐसे 10-15 साल पहले व्हेन आई वाज एस्पायरिंग कि आई वांट टू नो, तो हमारे सामने कोई था नहीं जिसे देख के जिसकी फिल्म हिट हुई और वो आके हमसे बात कर रहा हो, ऐसा कभी कभी कुछ हुआ नहीं था. तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई भी एक आध दो बंदे भी अगर उसमें से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो सबसे अच्छी बात इस जो इनिशिएटिव की है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, इधर बाहर के लोग भी है जो एस्पायरिंग राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, नो पीपल इन देयर 40s 50s, इवन दे आर हियर. ओके, जनरल पब्लिक और एंथुजियास्ट जिनको सिनेमा में इंटरेस्ट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू डबल हो जाती है सेलिब्रेट सिनेमा. तो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड आई वुड लाइक टू कम हियर लाइक अमर सेठ अगेन एंड अगेन. तो टच वुड सारी फिल्में ऐसी सक्सेसफुल हो और हम आते रहे इधर. सर तो अभी इंडस्ट्री में कैसा री रिलीज बहुत सारी फिल्मों को किया जा रहा है, तो लाइक कैन वी एक्सपेक्ट ताल फिल्म भी री रिलीज हो सकती है? वाह, खलनायक बनती है मेरी भी बनती है. मेरी 15 फिल्मों की रीमेक है. रीमेक नहीं, री रिलीज तो अभी 28 जनवरी को 27 को कर रहे हैं ताल टू. अच्छा, वही पूछ रहे हो. वाह, लगा कि अब 2 2 2 3 3 बोल रहे हैं, मूवी बन रही है सब. मैं ये समझता हूँ कि एक नई फिल्म लिखना और बनाना जो है वो मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है सीक्वल का बनाना. क्योंकि प्रीवियस पूरी कहानी है, उसका पूरा दारोमदार, उसका तासीर लेकर उस नॉस्टैल्जिया को लेकर आगे कैरियर करके एक नई दुनिया में लेके जाना, इट्स अ वेरी ह्यूज जॉब, इट्स अ वेरी क्रिएटिव जॉब. दैट्स व्हाई आई एडमायर स्त्री टू ऑल द टाइम. अरे देखना, बस कोई थिएटर में. ये तो खुद तारा बाबू है. 27 सितंबर से हम लोग रिलीज कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, और उम्मीद है क्योंकि आजकल री रिलीज चल रही है, तो ये भी डिमांड आई हमारे थिएटर वालों की भी ताल होनी चाहिए. जहाँ आपने शूट किया था चंबा के ऊपर कोई जगह थी, मैं उधर भी गया हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे सुभाष घई शूट करने आते थे, चॉपर से आते थे और हम लोग को रोड से लेके गए थे और बोलते थे सुबह आते थे यहाँ, कुछ कुछ नाचते थे, सुबह चॉपर से चले जाते थे सब लोग. तो मैं उस जगह भी गया हूँ जो जहाँ अब रोड थोड़ी बन गई है, पहले सिर्फ सिंगल एक वो थी और ऊपर एक छोटा सा कॉटेज टाइप का कुछ नहीं था. सुभाष घई, एक जब फिल्म एक ऊंचाइयों को तोड़ के क्रॉस हो जाती है, लोगों की ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस होती है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है, कितना ज्यादा प्रेशर फील करते हैं? कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लाइमलाइट में रहने के लिए वो मूवीज रिलीज करते जाते हैं, लेकिन एक प्रेशर होता है जब किसी डायरेक्टर से ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कितना ज्यादा प्रेशर फील करते हैं या कैसा उस टाइम पे आप? सी, एक प्रेशर ऐसा तो होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कुछ प्रेशर नहीं है, वो अगर मैं बोलूंगा तो एकदम मिथ्या होगा, झूठ होगा, एक होता है. लेकिन ना कहीं मैं अवेयर हूँ इस चीज़ से कि ये मुझे अपने सर पे नहीं चढ़ाना है. मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने निंदक को अपने नीरे रखता हूँ, मतलब जितने भी निंदक हैं मेरे उन्हीं से बात करता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आपको सब चढ़ाएंगे, अभी ऐसा टाइम है कि सर आपने क्या कर दिया, ये कर दिया. बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बांध के रख रहा हूँ कि ये सिर्फ एक फ्राइडे है, अब आपको ये हो गया, अभी आगे बढ़ना है, एक महीना हो गया ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करते हुए, इसको भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग भी अभी भूल जाते हैं, लेट स्टार्ट अ न्यू थिंग. क्योंकि वो बोलेंगे दैट वाज हिज पीक, इट इज़ वेरी एकदम सिंपल सा वर्ड है बट
आप ही बोलोगे सर वो पीक था आपका, वो गया, तो मैं उस कोशिश कर रहा हूँ उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाऊँ, प्रेशर ना लूँ, बट होता है फॉर श्योर। बिल्कुल करना चाहूँगा हॉरर, मतलब ये देखिए कभी गया ही नहीं था, आप जो बोल रहे हो ना कि चला गया था, मुझे नहीं लगता है कोई थ्रिलर कभी गया था, थ्रिलर बनते रह रहे थे, बीच में कभी कोई अच्छा बनता है कोई खराब बनता है, थ्रिलर क्या होता है, थ्रिलर थ्रिल रहना चाहिए, मतलब कोई मुझे बोलता है इंटरटेनिंग फिल्म, इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेडी, इंटरटेनिंग फिल्म जितनी सर ने बनाई है विदाउट कॉमेडी सीन, ड्रामा के साथ भी आप ऐसे करके देख रहे हो पिक्चर, ये दिस इज़ कॉल्ड इंटरटेनमेंट, ये कभी नहीं गया है ना जाएगा, हमको आज हम हैं कल कोई और होगा, अगले वीक कोई और होगा, तो ये होता जाएगा, हम लोग सिर्फ एक पार्ट हैं कि आज हमारा दिन है कल किसी और का दिन होगा, तो कभी मुझे नहीं लगता कभी कुछ गया था। हॉरर आप बोल सकते हो हॉरर नहीं बनते थे, बट अभी भी हमने भी जो बनाया ये इट्स नॉट अ टिपिकल हॉरर, अभी भी हॉरर बनाने का बहुत एक स्कोप है, प्रॉपर हॉरर एक क्वाइन टाउन में जाके जहाँ पे कोई ह्यूमर का वो नहीं हो, हम तो ह्यूमर का सहारा लेते हैं, बट हर फिल्म मेकर अपनी तरीके से नई फिल्म बना सकता है, सेम जॉनर को अगर आप कॉपी करके बनाते हो कि वो चल गई थी और फिर से वही करेंगे जैसा उन लोग ने किया तो नहीं चलेगी, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपको अपना इंटेंशन आपकी अपनी ऑनेस्टी के साथ आपको वो फिल्म बनानी होगी, तभी वो फिल्म लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा हम लोगों से सबसे ज़्यादा तेज ऑडियंस है, हमको लगता है कि ऑडियंस को कुछ नहीं पता, बट ऑडियंस को इतना पता है कि हमको भी नहीं पता। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच।